नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वीर्य पीना चाहिए या नहीं। दोस्तों, जिसे देखकर घिन आती है उसे कुछ लोग पीते भी हैं। कैसी अजीब बात है ना। और लोगों ने तब से ही पीना शुरू किया है जब से पोर्न वीडियो देखते हैं। उसमें दिखाया जाता है, आपको एक बात बता दूं, उन्हें उस चीज़ को पैसे मिलते हैं और वो आपकी ज़िंदगी को ख़राब करते जा रहे हैं। वीर्यपान भारत के लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियाँ भी करती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। युवा हस्तमैथुन करते हैं और सोचते हैं कि नाली में बहाने से अच्छा है इसको पी जाऊं तो ताकत जो निकली है वो वापस आ जाएगी, लेकिन जो वीर्य निकल गया वो वापस नहीं आएगा, चाहे कुछ भी कर लो। और वो तो गंदगी है, पेट में जाकर मल के द्वारा बाहर निकल जाएगी। पीना ना पीना बराबर है। माना वीर्य 6 स्टेज पार करके काफ़ी सारे पोषक तत्वों से बनती है और यही हमारी शरीर की ताकत या सब चीज़ है। यही निकलते समय वीर्य के अंदर से कुछ मात्रा में प्रोटीन निकलते हैं, परंतु वह आपके शरीर में 1% भी फायदा नहीं करेगा। उसके अंदर प्रोटीन भले ही हो, वो आपकी ताकत निकालता है, शरीर को हानि पहुंचाता है, बुद्धि नष्ट करता है, परंतु आप उसको दोबारा पियोगे तो आपको ताकत नहीं प्रदान करेगा। जिसका आप वीर्य पी रहे हो उसको कुछ बीमारी भी तो हो सकती है, आप उसे पीकर बीमार भी तो पड़ सकते हैं, इसलिए बिल्कुल भी मत पिए। अगर मैं आपको 2 चम्मच शुद्ध घी पीने के लिए कहूँ तो वो आपसे पिया नहीं जाएगा, क्योंकि दूध घी तो आपको अच्छा लगता ही नहीं होगा और वीर्य आराम देता है, परंतु दुर्भाग्य इस बात का है कि दूध और घी पी नहीं सकते और वीर्य पी लेते हैं। आप उसी चीज़ को ज़्यादा खाओ पियो जिससे वीर्य ज़्यादा बढ़ता हो या ज़्यादा गहरा होता हो। जैसे मैं घी, दूध, फल सबसे ज़्यादा अच्छा है, उस गंदगी को मत पियो। ताकतवर पदार्थ खाओ और ताकतवर बन जाओ। मुझे पता है कि जो निम्न स्वभाव के युवा हैं उनका जीव कच्चा हो गया होगा, परंतु हमारा उद्देश्य सभी युवाओं को जागरूक करना है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताओ, और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो एक लाइक ज़रूर कर दो। मिलते हैं एक और यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।